एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक हेयर मास्क प्याज के छिलकों से। तो ये प्याज के जो छिलके हैं इसे हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये प्याज के छिलके कितने काम के हैं। तो ये हेयर मास्क जो है वो आपके बालों को तेजी से बढ़ने में मदद करेगा, ये बालों को झड़ने से रोकेगा और आपके बालों को एक नेचुरल कलर देगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये आपके बालों को ग्रे कलर देगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको शायद पता नहीं है प्याज के छिलके के बारे में कि ये हमारे बालों के लिए कितना अच्छा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो इसे बनाने के लिए मैंने प्याज के छिलकों को ले लिया है एक बर्तन में। अब हम इसमें डालेंगे पानी, इसे अच्छे से दो तीन बार धो लेंगे क्योंकि प्याज के छिलके में बहुत सारा डस्ट होता है, तो डस्ट को हमें अच्छे से निकालना है। इसे दो तीन बार हमें अच्छे से धो लेना है। तो आप देखिए इसे अब हम इससे छान लेंगे और एक और बर्तन में ले लेंगे और उसमें पानी डाल के उसमें फिर से अच्छे से धोएंगे। अब हमारे प्याज के जो छिलके हैं वो एकदम से साफ हो चुके हैं। तो अब हम इसे और एक बर्तन में ले लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। तो अब आप देख सकते हो मैंने इसको ले लिया है गैस पर और जितना प्याज का छिलका है उससे थोड़ा ज्यादा आपको पानी लेना होगा क्योंकि इसे हमें अच्छे से उबालना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कितना सारा पानी लिया था और ये उबल उबल कर कितना सारा हो गया है और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ गया है। जो प्याज का जो कलर है वो एकदम निकल चुका है और अब मैं इसे छान लेती हूँ एक कटोरी में। हमारा प्याज जो है वो अब रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये हमारा पैक जो है ये रेडी है, इसमें और कुछ हमें मिलाना नहीं है। तो सिर्फ इसको लेंगे हम हमारी उंगलियों से और अपनी जड़ों बालों की जड़ों में इसका अच्छे से मालिश करेंगे। दोस्तों प्याज के छिलके में फ्लेवोनॉइड, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो सिर्फ बालों के लिए नहीं, हमारे बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याओं से ये निपटने में मदद करता है और त्वचा के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है और बालों के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। जब भी आप कुछ मालिश करते हो अपने स्कैल्प में तो आप याद रखिएगा कि हमारे सर का ये जो हिस्सा होता है ये वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो हेयर फॉल होता है इसी जगह से ज्यादा बाल झड़ते हैं, तो यहाँ पे सबसे अच्छे से मालिश करना है आपको। आप तेल मालिश करो या फिर ये ऑनियन वाला जूस मालिश करो, तो इसको अच्छे से आपको मालिश करना होगा। तो दोस्तों जड़ों में तो मालिश हो गया है। अब हम अपने बालों को दो हिस्सों में बांट लेंगे और हमारे जो बालों में इसको अच्छे से लगाएंगे। अगर आपके बाल ड्राई हो चुके हैं और अच्छे से बढ़ नहीं रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, और आपको अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है और आपकी बालों को हेल्दी बनाता है, आपकी बालों को एक शाइन देता है, ग्लो देता है और सबसे बड़ी बात यह आपके बालों को मुलायम बनाता है। दोस्तों आप इसे हफ्ते में कम एक बार या फिर दो बार यूज कीजिए और ये जो एक बहुत ही अच्छा सा कलर देता है ना ये आपको एक ही बार में दिख जाएगा और आपकी जो बालों की ग्रोथ है उसे देखने के लिए कम से कम आप इसे एक महीने तक यूज कीजिए और आपको देखेगा कि आपकी बाल जो है वो कितने तेजी से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों इसे लगाने के बाद आप इसको अपने बालों में कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए सूखने के लिए और उसके बाद आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं उस शैम्पू से आप अपने बालों को धो लीजिए। तो मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगी कि जो बालों का झड़ना है उसे रोकने के लिए आप हमेशा एक ही शैम्पू यूज कीजिए, बार बार शैम्पू चेंज मत कीजिए। अगर हम बार बार शैम्पू चेंज करते रहे ना तो हमारे बालों के झड़ना जो है वो कभी कम नहीं होगा, इसलिए हमेशा एक ही शैम्पू यूज कीजिए।
और ये प्याज के छिलके हमारे बालों को जो कलर देता है ना, ये आपको एक ही बार में दिखेगा, लेकिन अगर आप इसे बार बार करोगे तो आपका बालों का कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। आपको केमिकल बेस्ड कलर्स यूज करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ग्रे कलर पसंद है बालों के लिए तो इसे आप जरूर यूज कीजिए। तो दोस्तों, बालों को धोने के बाद मुझे सूट करने का टाइम नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे पिक्चर दे दिया है, तो आप मेरे बालों का कलर देख सकते हो। ये एक बार सही है तो आप इसे जरूर यूज कीजिए, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।